சதாசிவ சமாரம்பாம் சங்கராச்சார்ய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்ய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். சம்ஸ்க்ருதே சம்ஸ்க்ருதஸ்யாபி போஷகாயே பவன் சதா தேஷாம் பூஜார்ஹ பாதானாம் பாதயுக்மம் நமாம்யஹம். பிரதமதஹ மம பூயாம்சி நமாம்சி சர்வேப்யஹ. அத்ய சம்ஸ்க்ருத சமாரோஹண கார்யக்ரமே பவதாம் சர்வேஷாம் ஸ்வாகதம். மயா விதிதம் யத் கேச்சன சாத்ராஹ ஏக வர்ஷாவதி சம்ஸ்க்ருதாத்யயனம் க்ருதவந்தஹ தேப்யஹ சர்வேப்யஹ மம அபிநந்தனானி. கார்யக்ரமஸ்ய ஆயோஜகேப்யஹ அபி மம சுபேச்சா அபிநந்தனானி ச. சம்ஸ்க்ருத பாஷாம் அதிக்ருத்ய கிஞ்சித் விசாரயாமஹ. சம்ஸ்க்ருத பாஷா அதீவ மதுரா பாஷா, சுசம்ஸ்க்ருதா பாஷா. யே சம்ஸ்க்ருத பாஷாம் வதந்தி பாஷந்தே தே ஸ்வயம் சம்ஸ்க்ருதாஹ பவந்தி, யே ஶ்ருண்வந்தி தே அபி சம்ஸ்க்ருதாஹ பவந்தி. ஏஷஹ அனுபவஹ கதிபய ஜனானாம். சம்ஸ்க்ருத பாஷா விஷயே காஷ்சன ப்ராந்தயஹ ப்ரவர்த்தந்தே தத்விஷயே கிஞ்சித் விசாரயாமஹ. ஏகா ப்ராந்திஹ யத் சம்ஸ்க்ருத பாஷா மிருதா பாஷா இதி. கிந்து ஏஷா மதிஹ ப்ராந்தி ரூபாஹ ஏவ யதஹ மிருதா பாஷா இதி அஸ்ய கா பரிபாஷா. யா பாஷா சர்வைஹி ஜனைஹி ந ப்ரயுஜ்யதே சா பாஷா மிருதா பாஷா இதி பரிபாஷா சேத் காபி பாஷா அம்ருதாஹ ந ஸ்யாத், சர்வாஹ அபி பாஷாஹ அம்ருதாஹ ஏவ சித்தா பவேயுஹ. யதஹ காபி பாஷா சர்வைஹி ஜனைஹி அஸ்மின் விஸ்வஸ்மின் ந ப்ரயுஜ்யதே. அதஹ சர்வைஹி ப்ரயுஜ்யமானா பாஷா ஏவ மிருதா பாஷா ந அன்யாஹ சர்வாஹ பாஷாஹ மிருதாஹ இதி பரிபாஷா சேத் சர்வா பாஷாஹ மிருதாஹ சித்தாஹ ஸ்யுஹ. அன்யத் யா பாஷா கேனசிதபி ந ப்ரயுஜ்யதே சா பாஷா மிருதா பாஷா இதி பரிபாஷா சேத் சம்ஸ்க்ருத பாஷா மிருதா பாஷா ந சித்தா பவேத். யதஹ சம்ஸ்க்ருத பாஷா பஹுபிஹ ஜனைஹி பஹுஷஹ ப்ரயுஜ்யதே விஸ்வஸ்மின் அஸ்மின் ஜகதி. அதஹ சம்ஸ்க்ருத பாஷா மிருதா பாஷா இதி மதிஹி மிருதா பவேத் இதி மம இச்சா. அன்யத் சம்ஸ்க்ருத பாஷா அதீவ கடினா, ஏஷா அபி ப்ராந்தி ஏவ. யதஹ ஆரம்பே சர்வாஹ பாஷாஹ கடினாஹ ஏவ ப்ரதீயந்தே, கிந்து அப்யாச வசாத் உத்சாஹ வசாத் பிரேரணா வசாத் சர்வாஹ பாஷாஹ அவகந்தும் பாரியந்தேவ இதி அஸ்மாகம் அனுபவ. அதஹ சம்ஸ்க்ருத பாஷா கடினா அதஹ ந படனீயா இதி அபி ப்ராந்திஹ ஏவ. அன்யா ப்ராந்தி ப்ராந்திஹ அஸ்தி சம்ஸ்க்ருத பாஷா ஜ்ஞானம் நிரர்த்தகம் பவேத், கிம் பிரயோஜனம் சம்ஸ்க்ருத பாஷா அத்யயனேன இதி. ஏஷா அபி ப்ராந்தி ரூபா ஏவ மதிஹ
यस्मात् संस्कृत भाषायां विपुलं साहित्यं वर्तते अनेकेषु विषयेषु विपुलं साहित्यं वर्तते संस्कृत भाषायां धर्मशास्त्र विषये राजनीति विषये पाकशास्त्र विषये विज्ञान विषये गणित विषये अध्यात्म विषये अनेकेषु विषयेषु विपुलं साहित्यं वर्तते संस्कृत भाषायां यदि संस्कृत ज्ञानं चेत् जनाः तान् संस्कृत भाषायां ये ग्रन्थाः तान् पठितुम् अर्हन्ति तेन स्वजीवनम् उन्नतं भवेत् अतः संस्कृतभाषा निरर्थिका संस्कृतभाषा ज्ञानं निरर्थकम् इति भ्रान्ति अस्माभिः निराकरणीया संस्कृतभाषा स्वज्ञानेन संस्कृत्या सह सम्बन्धमपि स्थापयति संस्कृतभाषा ज्ञानं चेत् वैदिकसंस्कृत्या सह जनस्य सम्बन्धः भवेत् यतः भाषायाः संस्कृतेः च गाढः सम्बन्धः वर्तते ये जनाः भारतीयभाषायाः विमुखाः स्युः ते भौतिकवादी संस्कृतेः प्रभावं त्यक्तुं न शक्नुवन्ति अतः भारतीयसंस्कृतेः प्रभावः यदि वयम् इच्छामः अस्माकं जीवने तर्हि संस्कृतभाषायाः ज्ञानम् अतीव उपयोगी अतः संस्कृतभाषाज्ञानं निरर्थकम् इति मतिः भ्रान्तिरूपा एव अत्र अस्मिन् सन्दर्भे अन्यः एकः विषयः अपि विचारणीयः प्रायशः एतद् उच्यते संस्कृतभाषा देवभाषा इति एतद् वाक्यं संस्कृतभाषायाः गौरवाय उच्यते संस्कृतभाषा देवभाषा तेन संस्कृतभाषायाः स्तुतिः भवेत् इति मन्यते तत्तु सम्यक् किन्तु एतस्याः उक्तेः अनभीष्टार्थः अपि केचन जनाः गृह्णीयुः किम् एतत् कथम् अनभीष्टार्थः गृहीतं भवेत् इति चेत् संस्कृतभाषा देवभाषा इति यदा अस्माभिः श्रूयते तर्हि एषः विचारः अपि जायेत संस्कृतभाषा देवभाषा वयं तु पामराः मनुष्याः तस्मात् वयं कथं संस्कृतभाषायां भाषणं कुर्मः इति अनभीष्टार्थः यः अर्थः अभिप्रेतः नास्ति तदपि गृहीतं स्यात् केहिश्चित् जनैः अतः यदा संस्कृतभाषा देवभाषा इति उच्यते तदा तस्य वाक्यस्य सम्यक् अर्थग्रहणं कर्तुम् अर्हामः स्वयं सम्यक् ग्रहणं कुर्मः अन्यानपि सम्यक् ग्रहणं कारयामः अन्यथा संस्कृतभाषां प्रति अरुचिं स्यात् भयं स्यात् एतादृशी स्थितिः हिब्रुभाषाया विषये अपि आसीत् बहुवर्षपूर्वं हिब्रुभाषा देवकार्ये एव प्रचलिता आसीत् अतः तत्कालीनाः जनाः एतत् चिन्तयन्ति स्म हिब्रुभाषा तु देवकार्यविषये एव प्रयोक्तव्या न व्यवहारे इति किन्तु बेन् यहुदा महोदयेन अतीवप्रयासः कृतः हिब्रुभाषायाः लोकभाषा रूपेण प्रचारः कृतः
तस्य भगीरथ प्रयासेन अधुना कति लक्षैहि जनैहि हिब्रू भाषा व्यवहार भाषात्वेन प्रयुज्यते तथा संस्कृत भाषा अपि एवमेव स्यात् इति अस्माकम् इच्छा इति अस्माकम् भावना। संस्कृत भाषा देवभाषा अस्ति किंतु देवभाषा एव न। संस्कृत भाषा देवभाषा सा भाषा सर्वेषां जनानाम् अपि भाषा स्यात् एषा मतिः जनेषु प्रसारणीया। तद्विषये अस्माभिः किं कार्यम् एतत् विषये किञ्चित् चिन्तयामः। प्रथमतः संस्कृतभाषायाः महत्त्वम् अस्माभिः सम्यक् निश्चितं स्यात्। यदि वयं निश्चिताः स्यामः तर्हि अन्यानपि निश्चिताः कारयितुं प्रभवामः। अन्यथा अन्यान् जनान् निश्चयं दातुं वयं न समर्थाः स्यामः। अतः प्रथमं वयं संस्कृतभाषायाः महत्त्वविषये अतीव निश्चिताः स्यामः इति प्रथमं कार्यम्। संस्कृतभाषा कुतः पठनीया, कुतः वदनीया, कुतः प्रसारणीया, एतद्विषये अस्माकं निश्चयः दृढः स्यात् इति प्रथमं कार्यम्। द्वितीयं तु प्रतिदिनम् एकवारं न्यूनातिन्यूनं केनचित् जनेन सह दशवाक्यानि संस्कृतभाषायां वदनीयानि इति अस्माकं सङ्कल्पः स्यात्। तृतीयं तु यत्र कुत्रचित् संस्कृतभाषायाः प्रचारविषये, प्रसारविषये, शिक्षणविषये यः कोऽपि कार्यक्रमः वर्तते तस्मिन् कार्यक्रमे अस्माकं धनदानं स्यात्, ज्ञानदानं स्यात्, कालदानं स्यात्, सुविधादानं स्यात्, येन केनचित् रूपेण अस्माकं किञ्चित् योगदानं स्यात् इति अस्माकं भावना भवेत्। यतः संस्कृतभाषा अस्माकं भाषा, अस्माभिः तत् प्रसारार्थं प्रयत्नः करणीयः एव। अन्यच्च संस्कृतभाषां यदा वयं वदामः अन्ये वा वदन्ति तदा व्याकरणविषय किञ्चित् स्खलनं भवेत्, त्रुटिः भवेत्, तद्विषये भयं मास्तु, स्खलनभयं मास्तु। यतः यदा भवान् गच्छन्ति तर्हि किञ्चित् स्खलनं स्यात्, स्खलनभयेन गमननिवर्तनं न स्यात्। तथैव स्खलनभयेन अस्माभिः संस्कृतभाषायां भाषणे यत्नः न त्यक्तव्यः। अन्यच्च संस्कृतभाषायाः प्रचारे, प्रसारे, शिक्षणे धैर्यं धारयितव्यम्। कालेन सिद्धिं विन्दति जनः, अतः धैर्यं धारयितव्यम् अस्माभिः। एतत् उच्यते एकस्मिन् श्लोके, आरभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्नविहताः विरमन्ति मध्याः। पुनः पुनः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धम् उत्तमजनाः न परित्यजन्ति। प्रारब्धम् उत्तमजनाः न परित्यजन्ति।
अस्माभिः संस्कृतप्रसाराय प्रयत्नः प्रारब्धः। तं प्रयत्नं वयं न त्यजामः। यदि अस्माकं एषा भावना प्रयत्नः स्युः तर्हि एकस्मिन् दिने संस्कृतभाषा बहुनां जनानां भाषा भवेत् इति अस्माकं शुभेच्छा प्रार्थना च। पुनः पुनः सर्वेषां कृते मंगलं प्रार्थ्य विरमामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यः नमांसि। ॐ तत्सत्। ॐ